बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नया पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हसनैन रफ़ीक को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ़्तार कर लिया। हसनैन रफ़ीक आज सुबह हाई कोर्ट पहुँचे थे जब चीफ़ जस्टिस की समाअत चल रही थी। चीफ़ जस्टिस ने जैसे ही समाअत मुलतवी की, उसके बाद हसनैन रफ़ीक कमरा अदालत से बाहर निकले और अपने दोस्त को कहा कि सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। हसनैन रफ़ीक मोबाइल इस्तेमाल करते हुए पैदल चल रहे थे। कुछ ही देर में चार सादा लिबास एफआईए के अहलकारों ने हसनैन को आवाज़ दी तो वो उनके पास चला आया। हसनैन को अक्सर वकला और जो भी लोग आवाज़ देते हैं तो वो रुक जाते हैं। हसनैन को यही लगा कोई जानने वाला होगा तो वो उनके पास चला गया। पहुंचने पर एफआईए वालों ने कहा, हसनैन साहब, आपके ख़िलाफ़ हमारे पास वारंट है। उन्होंने कोई कागज़ खोल कर दिखाया और बंद कर दिया और कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। हसनैन के पास दो फ़ोन थे। एक फ़ोन उसके दोस्त ने पकड़ने की कोशिश की तो वो एफआईए के अहलकारों ने छीन लिया और उसके बाद हसनैन को वो अपने साथ ले गए। हसनैन रफ़ीक हमेशा सच और हक का साथ देते थे। सीनियर सहाफ़ी हसनैन रफ़ीक नया पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसके तकरीबन 32 लाख सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त। आखिर क्या जुर्म था सीनियर सहाफ़ी हसनैन रफ़ीक का कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।